चुनावी शंखनाद के साथ हर कोई अपनी जीत को पक्का बताने के लिए पार्टी के टिकट जनकर्ताओं के सामने अपनी शक्ति का एहसास कराने का प्रयास में लगे हैं। इसी कड़ी में बैरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा में टिकट की दावेदारी करने वाले एक ऐसे युवा नेता ने शक्ति प्रदर्शन किया जो तड़ी पार की अवधि पूरा होने पर जिले में आए। शिव कुमार वर्मा उर्फ मंटन वर्मा है। अपने इसी जलवे की बदौलत अपनी मां को बैरिया का प्रधान बनाए, फिर चेयरमैन के पद पर आसीन कराए। अब इनका सपना विधायक बनने का है। जी हां, इस युवा नेता को आप भी देखकर हैरान हो रहे होंगे। उम्र कम लेकिन प्रशासन के लिए सरदर्द बना था, जिसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई हुई थी। जिला बदर की अवधि पूरा होते ही एक बार फिर जिला प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराया। टिकट मिले या ना मिले, लेकिन युवा शक्ति को सड़क पर उतार कर यह सिद्ध कर दिया कि हमें हल्के में न लिया जाए। नेता बनने और आज के दौर के विधायक और सांसद बनने के सारे गुण मौजूद हैं, और टिकट की ख्वाहिश भी भाजपा जैसी पार्टी से है। हो भी तो क्यों नहीं, इनका जलवा भी अजय मिश्र से कम तो नहीं। पत्रकार महोदय, बाइक रैली का जुलूस है कि हम लोग जो जातियों में हमारे पूर्व नेता जाति के आधार पर हमको बांट चुके हैं, जो जाति के आधार पर हम लोग बांट चुके हैं। तो हमारी युवा जो शक्ति है बताना चाहती है कि बैरिया विधानसभा में इस बार विकास की बात होगी, जाति की बात नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हमारी जातियाँ हैं हम वोट दो, ये युवा शक्ति समझ गई है केवल बैरिया में विकास की बात होगी तो केवल विकास की बात होगी। हमारा बैरिया विधानसभा और बलिया जिला आज़ादी में पहली बार आज़ाद हुआ, भारत से पहले आज़ाद हुआ, और विकास के मायने में जीरो, विकास के नाम पर जीरो हो गया। मगर हम इस रैली से यह संदेश देना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, हर जाति एक साथ। जी अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आप किस बैनर के तले, किसी हम बीजेपी सपा कांग्रेस किसी बैनर तले? हम तो भाजपा खाइए हैं, हम कहाँ इसमें कोई दूर आए, हमारी माता जी चेयरमैन है, मुझे प्रतिनिधित्व सक्रिय करता है। पर ये बिना बीजेपी के तले और बिना झंडा के तले नहीं, ये सारी जातियाँ, ये संदेश देना चाहती है हर व्यक्ति को कि हम इस बार जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, हम इस बार विकास के नाम पर वोट देंगे। किसी जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे सब 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 जनप्रतिनिधि है। शाम को आवास पे सभा है, वहाँ पर उपस्थित होंगे। जी कहाँ कहाँ जाएगी आपकी बाइक? ये बैरिया फील्ड से रानीगंज, कोटवा मोड़, दलपतपुर, बैरिया, करमानपुर, देवराज ब्रह्मोड़ और खाकी बाग मोड़ से वापस होकर घर आएगी। कितनी होगी लगभग? 5,000 से ऊपर बाइकें हैं। ये जनता का प्यार और स्नेह है, इतनी बारिश में भी जनता हमको नहीं छोड़ कर भाग सकती है। ये जनता का प्यार और स्नेह, ये 7-8 किलोमीटर की रैली है और जनता और आप लोगों का आशीर्वाद से ये सब हुआ है। ये युवाओं को एक साथ ले जाने का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि इस बार विधानसभा में जाति के नाम पर वोट नहीं बटेगा, इस बार विधानसभा में उसी प्रत्याशी की भूमिका होगी जो विकास कराएगा। केवल उद्देश्य है बैरिया विधानसभा का विकास, ना कि जाति के नाम पर बंटवारा करना और वोट देना, वोट लेना। क्या बीजेपी आप पे भरोसा देकर टिकट देगी तो क्या आप विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं? जी जी जी, बीजेपी प्रत्याशी अगर बीजेपी से कैंडिडेट होते हैं चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।